इस वाली वीडियो में मैं रहने वाला हूँ आने वाले 24 घंटे तक इस पूरे जंगल में, एंड मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, एंड मैंने अपने साथ एक बैग कैरी किया है जिसमें कि मैंने अपनी कुछ जरूरतमंद चीज़ रखी है, जैसे एक पानी की बोतल, एक लाइट टॉर्च जो कि मेरे रात में काम आएगी, एंड एक नाइफ। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और यहाँ पे चलते चलते मेरे को आधा घंटा हो चुका है, एंड मैं बहुत ज़्यादा अंदर को आ चुका हूँ। मैं ऐसे जंगल में चलता जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, एंड आई एम लुकिंग फॉर वन स्टिक जो मेरे को सामने से आने वाले किसी भी जानवर से बचा सके। एंड आफ्टर सर्चिंग फॉर 15 मिनट आई फाउंड अ स्टिक। एंड इस जंगल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ जो कि हर जगह मिलने वाले ये कांटे, जो मेरे पैर में या फिर मेरी बॉडी में कहीं भी लग सकते थे। आफ्टर सम टाइम जिस बात का डर था वही हुआ, मेरे शूज में कांटे लग चुके थे एंड बहुत सारी जगह पर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे जंगल को एक्सप्लोर कर रहा था। गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:21, एंड सीरियसली इतनी जल्दी यहाँ पे बहुत तेज धूप आ चुकी है। पूरे में मेरे को धूप ही धूप दिख रही होगी, देखो आपको दिखाता हूँ, पूरे जगह पे धूप आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ 8:21 पे ही। पूरे दिन में क्या होने वाला है और दोपहर में मेरा क्या होने वाला है, बिकॉज मेरे पे सिर्फ एक बोतल पानी है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि ये जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और मैं अंदर के इनसाइड आते जा रहा हूँ और मैं खो ना जाऊँ इसलिए मैं एक चीज़ करता हूँ। इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, उस रास्ते पे मैं ऐसे क्रॉस बनाते हुए चलता हूँ इसलिए मैं आते वक्त देख सकूँ और खो ना। मेरे को पानी बहुत ज़्यादा कम पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसी पानी से 24 घंटे रहना है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा खुला खुला सा एरिया दिख रहा है और साफ सफाई सी भी लग रही है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे कुछ कांटे पड़े हुए हैं उनको थोड़ा साफ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। गाइस मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे एक घंटा हो चुका है और अब मेरे मुंह पे धूप पड़ने लगी है, तो चलो छाया की तरफ चलते हैं। तो गाइस अब मैं जंगल के बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे पूरे में धूप फैल चुकी है, पूरे की पूरे में कहीं भी छाया नहीं है। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, मैंने पानी पी लिया था, हाफ बोतल बची है बस अब, एंड मेरे पूरे मुँह पे जलन सी मछली एक, और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया ये। आई थिंक कोई कीड़ा काट गया या फिर कांटा चुभ गया, आई डोंट नो। और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी लग रही है एंड मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पे पानी रखा हुआ है उससे मैं अपना मुंह धो लूँ। और अब मेरे पे बहुत कम वाटर बचा हुआ है और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुंह धोने के बाद। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं पानी और ज़्यादा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, पानी ढूंढते हैं जंगल में। इट वॉज दैट टाइम जब धूप बढ़ती जा रही थी, मेरा पानी भी ख़त्म हो चुका था, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और मैं पानी की खोज में सीधा चलता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाता जा रहा हूँ ये जंगल और ज़्यादा घना होता जा रहा है। चलते चलते मैं कुछ यहाँ पे आ गया हूँ जंगल के बीच में और यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पानी पहले से भरा हो पर अभी गर्मी के वजह से सूख गया हो। फिर क्या, मैं उसी रास्ते सीधे सीधे चलता रहा एंड फाइनली 2 से 2.5 घंटे चलने के बाद मेरे को पानी दिख ही गया। बट मेरी किस्मत ख़राब होते हुए मेरे को पानी तो मिला बट मैं वो पानी पी नहीं सकता था। सो गाइस मैं इतनी दूर चलते चलते आया हूँ और 1.5 से 2 घंटे मेरे को यहाँ पे चलते चलते आने में हो गए और मेरे को पानी भी मिला बट मैं उस पानी को पी नहीं सकता, बिकॉज देखो दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है। ये पानी बहुत ज़्यादा नीचे था एंड रेत ही रेता, अगर मेरा पैर फिसलता
तो मैं यहाँ पर गिर भी सकता था एंड मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गहरा है एंड बड़ा भी। ये वो टाइम था जिस टाइम मैं इस चैलेंज को क्विट करने वाला था बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही थी। या तो मैं चैलेंज छोड़ देता या फिर अपनी प्यास को बुझा लेता, बट मैंने अपनी प्यास को कंट्रोल करते हुए इस चैलेंज को कंटिन्यू करा। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया के घोंसले पड़े हुए हैं, देख लो। सी गाइस आई डोंट नो किस जानवर की हड्डी पड़ी हुई है। सी गाइस यहाँ पे एक और किसी एनिमल की हड्डी पड़ी हुई है और यहाँ पे कुत्ता उसे खा भी रहा है एंड यहाँ पे बहुत बुरी बदबू आ रही है। चलो फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया एंड ऐसी जंगल को एक्सप्लोर करने लगा। एंड गाइस कुछ टाइम बाद रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, उससे पहले मेरे को एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल प्लेन हो और साफ हो जहाँ पे मैं अपनी नाइट स्पेंड कर सकूँ। सो गाइस बिल्कुल रात हो चुकी है अभी जंगल में और मैं अब थोड़ी सी जंगल के बाहर की साइड आ चुका हूँ और मेरे को प्लेन जगह दिख रही है। देखो ये रही कुछ प्लेन सी जगह, तो सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे ही थोड़ा लेट जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा हो रहा है, इसको साफ कर देता हूँ। यार पूरे में जंगली जंगल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पे पूरी रात बिताता हूँ, पूरे में सन्नाटा ही सन्नाटा हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी रात रहूँगा तो मैंने ये रख देता हूँ और मेरा बैग और यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ आज। एंड गाइस एक और बात, मैंने सुबह 7 बजे चैलेंज स्टार्ट करा था एंड अब रात के 8:30 या 9 बज रहे हैं और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ना कि पानी पिया है। सो मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, बट चैलेंज मेरे को कम्प्लीट करना था इसलिए मैंने भूख को भी कंट्रोल करा। तो गाइस रात हो रही है और मैं अभी इस बैटरी के जरिए वीडियो बना रहा हूँ और सीरियसली यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा। मैं यहाँ पे जंगल के बीच में बैठा हुआ हूँ और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एंड ये वाले चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड। बट मेरे को आगे जाकर एक बहुत बड़ा और अच्छा यूट्यूबर बनना है एंड उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो कमेंट में बता देना कि ये वाला चैलेंज कैसा लगा। एंड रात हो चुकी है, मैं सोता हूँ यहाँ पे। यार डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं रात को, बहुत ज़्यादा, और चारों तरफ अंधेरा ही है और अभी भी मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और इस टॉर्च की लाइट भी बहुत ज़्यादा डिम हो चुकी है, आई डोंट नो क्यों। और फ़ोन में भी बैटरी डिम हो चुकी है जिसकी वजह से मैं फ्लैश लाइट भी नहीं जला पा रहा। तो जैसे तैसे सोता हूँ और सुबह ही मिलता हूँ बिकॉज फ़ोन में भी बैटरी ख़त्म होने वाली है। सो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और अब मैं घर पे जा रहा हूँ एंड वीडियो कैसी लगी बता देना। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वीडियो थी ये, सारी वीडियो में सब ज़्यादा ख़तरनाक वीडियो थी ये। आपने पिछली वीडियो में कमेंट में बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा, एंड ऐसी सारी वीडियो में दे देना बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में बताओ कि कैसे वीडियो लगी है एंड बाय।